बजे यहाँ से छः जो क्रिमिनल्स हैं वो यहाँ से एस्केप किए हैं। इनफैक्ट एक गाड़ी में पुलिस यूनिफॉर्म में सुबह पांच क्रिमिनल्स आए और उन्होंने कहा कि भी हमने एक जैसे होता है भी कैदी को जमा कराना होता है, तो उन्होंने ये बहाना बनाया कि जी हमने कैदी को जमा कराने आए हैं। तो ये सोच के जो यहाँ पे जो सेंट्री हाउस होता है उसने गेट खोल दिया एंड दे वर कैरिंग स्मॉल आर्म्स, उन्होंने आके फिर कैदी को ओवर पावर किया और इन द मीन टाइम जो सेंट्री को ओवर पावर किया और जो आगे जो सेंट्री होता है फिर उसको भी ओवर पावर किया एंड इन द रिजल्ट यहाँ से छः जो नॉन क्रिमिनल्स एंड टेररिस्ट जो दो हैं उसमें वो दे वर एबल टू एस्केप। उनके नाम हैं एक हरमिंदर मिंटू, एक कश्मीर सिंह, एक गुरप्रीत सेखों, अभी एक गैंगस्टर्स हैं ये विक्की गौंडर, अमनदीप डोटिया और नीता देव। ये अब इसमें दो पहलू आ जाते हैं, एक तो भागे हैं वो तो तफ्तीश जो होनी है वो तो होगी, दूसरी तरफ ये आ जाता है कि भी लैप्स कि भी किसकी जिम्मेवारी है, क्या लैप्स हुआ है, क्या इसमें कोई कनाइवेंस है, जो कि आपको मतलब जिस हालात में आप देखते हो। तो ये बात तो अभी धीरे धीरे आप क्लियर करेंगे हम, लेकिन एट द मोमेंट अभी मैं आपको इतना ही बता सकूँ। ऐसी बात नहीं है, 100 राउंड फायरिंग नहीं हुई है, 30 से 35 जो यहाँ पे हमें मिले हैं और वो आप उसमें ऐड कर लो, मतलब सही कि भी 100 वाली बात नहीं यहाँ पे, लेकिन ये भी बात ठीक नहीं आपकी, अंदर से भी उन्होंने फायर की है। अब ये बात आप कह सकते हो कि भी उस फायरिंग इफेक्टिव क्यों नहीं हुई, अब ये चीज़ हम देखेंगे। हाँ वही मैं कह रहा हूँ ना, यही चीज़ देखने वाली है कि भी जब हमारी LMG पोस्ट वाला लगी हुई थी और जो वो क्लेम कर रहा है कि जी मैंने इतने राउंड फायर किए हैं तो वो फायरिंग इफेक्टिव क्यों नहीं हुई। सर आप संडे में वो बाहर कैसे आए, ड्यूटी में कैसे पहुंचे, जो भागे हैं आज संडे था सर कोई मुलाकात नहीं थी, वो वहां तक कैसे आए, उनको पहले पता था? देखो ये अगर आप कहो कि भी इट्स अ पार्ट ऑफ कॉन्स्पिरेसी नहीं है तो ये तो बात गलत होगी ना, यहाँ तक बात ना पहुँचती, फिर कहीं ना कहीं कॉन्स्पिरेसी तो है और यही चीज़ हमने क्लियर करनी है।